Hello, students, welcome to the School of English. Today we are going to start the poem F, written by Rudyard Kipling. Basically, in this poem, a father is giving advice to his son. Uh, he is telling him about the rules of life. Today, we translation of F. This poem hai, जिसमें एक बाप अपनी बेटे को ज़िंदगी की उसूल बताते हैं यानी उसको नसीहत करता है उसको मशवरा देता है ज़िंदगी के उसूलों के बारे में ज़िंदगी के बारे में चलो स्टार्ट करते हैं एफ़ एफ़ का मतलब है अगर इफ़ यू कैन कीप योर हेड अगर आप अपने दिमाग को पुरसकून रख सकते हैं कीप योर हेड का मतलब है दिमाग को या जहन को मतम करना या पुरसकून करना अगर आप अपने दिमाग को मतम कर सकते हैं पुरसकून रख सकते हैं When all मैन वन all अबाउट यू आर losing दियर्स जब सारे लोग अपने दिमाग को रहे हो एन ब्लेमिंग इट ऑन यू और इसका इल्ज़ाम आप पर लगा रहे हो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करके अपने दिमाग को खो रहे हैं यानी अपने दिमागों अपने दिमाग को खा रहे हैं आपको क्रिटिसाइज करके और सारा आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग को पुरसकून रख सकते हैं इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ अगर आप अपने आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं अतमाद कर सकते हैं वन ऑल मैन डाउट यू जबकि सारे लोग आप पर शक करते हो अगर आप एक ऐसे हालात में हैं कि आपकी इर्द गिर्द जितनी भी लोग हैं, वो आपके सच्चाई पर आपकी ईमानदारी पर शक करते हैं लेकिन फिर भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप में आप में सेल्फ़ रिस्पेक्ट है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ़ इस्टीम है बट मेक अलाउंस फार देयर डाउटिंग टू बट मेक अलाउंस फार देयर डाउटिंग टू लेकिन उनके ये जो डाउटिंग है ये शकूक है ये शक है उसको भी इजाज़त दे दो इसका मतलब है कि फिर भी उनके जो शक है या जो शकूक है उसके बारे में भी सोचो उसके बारे में गौर करो और उसके नुक़ नज़र को देखो उसको बर्दाश्त करो इफ़ यू कैन वेट अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं एंड नट बी टायर बाई वेटिंग अगर ये इंतज़ार आपको थकाता नहीं है या इंतजार की वजह से आप थकती नहीं हैं यहाँ पर सब्र का दर्श देता है कि आप में सब्र हो आप में इतना सब्र हो कि आप इंतज़ार करके ये इंतज़ार भी आपको नहीं थका सकता है इतना ज़्यादा सब्र हो आर बींग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज अगर आपके बारे में झूठ बोला गया हो अगर आपके बारे में शकूक पैदा किया गया हो डोंट डील इन लाइज तो बदले में झूठ मत बोलो आर हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग अगर आपके साथ नफरत किया गया हो तो आप बदले में नफ़रत मत करो या नफरत को राह मत दे दो एंड यट डोंट लुक टू गुड अगर ये सारी क्वालिटीज़ ये अबाव जो हमने स्टडी किए ये आप में है एंड यट डोंट लुक टू गुड तो फिर भी अपने आप को इतना अच्छा जाहिर मत करो अपने आप को इतना अच्छा मत दिखाओ टॉक टू वाइज अवर्नर ज़्यादा होशियारी या अक्लमंदी के बातें करो अगर आप में ये ऊपर दी गई सारे क्वालिटीज़ मौजूद हैं, इसके बावजूद भी अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो और ज़्यादा कलमंदी के बातें मत करो यू कैन ड्रीम एंड नट मेक ड्रीम्स योर मास्टर अगर आप ख्वाब देख सकते हैं लेकिन ख्वाबों को अपना आका अपना मालिक नहीं बनाते हैं या अगर आप ख्वाब देख सकते हैं लेकिन ख्वाबों का ग़ुलाम नहीं बन सकते हैं इसका मतलब ये है अगर आपका कोई आइडल पर्सनालिटी है लेकिन इस तरह नहीं है कि वो आपको इतना डोमिनेंट करे कि आप अपना पर्सनालिटी भूल जाए इफ़ यू कैन थिंक अगर आप सोच सकते हैं ए नट मेक थॉट्स योर एम और सोचों को अपना मकसद नहीं बनाते हैं मतलब ये है कि अगर आप सोच सकते हैं लेकिन आपका सारा मकसद जो है आपका एम जो है वो सिर्फ टाट्स नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल काम भी है इफ़ यू कैन मीट विद ट्राइम्फ एंड डिज़ास्टर अगर आप जीत और हार के साथ मिल सकते हैं ट्राइम्फ मीन जीत डिज़ास्टर मीन हार अगर आप जीत और हार का सामना कर सकते हैं एंट्रीट एंट्रीट दोपॉस्टर्स जस्ट द सेम और इन दोनों धोखाबाजों दो को एक जैसा इन दोनों धोखाबाजों दो के साथ एक जैसा बर्ताव कर सकते हो अगर इन दोनों धोखाबाजों दो के साथ एक जैसा सलूक कर सकते हो ट्रीट का मतलब है बर्ताव करना सलूक करना एम्फोस्टर का मतलब है डिसीवर यानी धोखाबाज। खबाज यह, यहाँ पर यह कहता है कि जिंदगी में आपकी ज़िंदगी में हार भी आएगी आपकी ज़िंदगी में जीत भी आएगी लेकिन अगर आपका जो एटीट्यूड है वो कुछ इस तरह हो कि ये जो नाकामी है ये इस तरह नहीं है कि ये आपको बिल्कुल ख़त्म ही कर दे वरना ये जो जीत है ये आपको इतना मगरूर कर दे कि आप सब कुछ भूल जाए अगर आप इन दो क्योंकि ये दोनों जो है ये बिल्कुल इंतहाई शार्ट टाइम के लिए होते हैं ख्वाजीत हो या हार हो और यहाँ पे ये पर्सनफिकेसन भी यूज़ हुआ है इफ़ यू कैन मीट विद ट्राइम्फ एंड डिज़ास्टर मीट यानी मिलना अगर आप मिल सकते हो जीत के साथ और हार के साथ तो हम तो किसी जानदार के साथ मिल सकते हैं और ये जो है ये दोनों उन्े तो यहाँ पर इस लाइन में परसोनिफिकेशन यूज़ हुआ है एफ यू कैन बियर अगर आप बर्दाश्त कर सकते टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन अगर आपने जो सच बोल लिया है आपने जो सच बोला है अगर आप उसको सुनना बर्दाश्त कर सकते हो ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक अट्रैफ फॉर दूल जो दो लोगों ने न्यूज़ मतलब दो लोग ट्विस्टेड मीन मोड़ना चेंज जो दो लोगों ने तब्दील किया है या दो लोगों ने मोड़ दिया है टू मेक अट्रेफ फार फूल्स बेवकूफ़ों के लिए जाल बनाने के लिए अगर आप उस सच को बर्दाश्त कर सकते हो जो आपने बोला है जिसको दो लोगों ने तब्दील किया है कमकल या बेवकूफ लोगों को बेवकूफ़ लोगों के लिए जाल बनाने के लिए और वाच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन या उन चीज़ों को आप टूटती हुई देख सकते हैं जिसको आपने सारी ज़िंदगी दी है जिस चीज़ जिन चीज़ों को बनाने के लिए आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की है अगर आप उन चीज़ों को टूटती हुई देख सकते हैं इन स्टूप एंड बिल्ड एम वर्न आउट टूल्स स्टूप मतलब झुकना बिल्ड मीन बनाना तामीर करना एम दम है इसका मतलब है ये दम के लिए यूज होता है वर्न आउट पुराना टूल्स अवज़ार एंड स्टूप और फिर आप झुक सकते हैं एंड बिल्ड एम वर्न आउट टूल्स और आप अगर झुक सकते हैं और दोबारा इस पुरानी अवज़ार के साथ इसको तमीर कर सकते हैं यहाँ पर करज की बात हो रही है अगर आप में इतना करज है कि आप जिन चीज़ों को बनाने में आपकी सारी ज़िंदगी खर्च होती है और वो चीज़ें टूट जाए और उसे दोबारा बनाने के लिए आप दोबारा जुग जाए दोबारा स्टार्ट से शुरू करें अगर आप में इतना करज इतना हौसला है तो मेरे बेटे आप कामयाब होंगे फ्यू कैन मेक वन हीप ऑफ आल योर विनिंग्स इफ़ यू कैन मेक अगर आप बना सकते हैं वन हीप एक अम्बार एक डेयर ऑफ ऑल योर वनिंग्स अपने तमाम जीतों का इन रिस्क इट इन पिच एन टॉस और आप इन सबको रिस्क इन सब का रिस्क ले सकते हैं पिच पिच इन टॉस के एक ही गेम में इफ पिच इन टॉस जो है ये गेमलिंग का एक गेम है यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप में इतना कैपेबिलिटी है कि आप रिस्क ले सकते हैं मिसाल के तौर पर आपकी जितनी भी जीत है वो सब के सब आप इकट्ठा कर सकते हैं और उसका एक अंबार बना सकते हैं और फिर पिच इन टॉस के गेम में जिस तरह या तो वन होता है या लॉस होता है उसी तरह आप इनको इनका ख़तरा ले सकते हैं इन लॉस और इन स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स अगर आप हार जाए तो दोबारा शुरू से अगर आप आगाज कर सकते हैं एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ल्ड अबाउट योर लॉस और अपने हार के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं निकालते हैं ब्रीथ मीन आप ब्रीथ अवर्ड का मतलब है एक लफज निकालना मिसाल के तौर पर अगर आप हार गए तो आप में इतना कैपेबिलिटी है इतना सलाहियत है कि आप अपनी इस हार के बारे में एक बात तक नहीं करते हैं इफ़ यू कैन फोर्स योर हर्ट नरो साइन यू इफ यू कैन फोर्स योर हर्ट एंड नरो साइन यू अगर आप अपनी दिल नरो अगर आप अपने दिल नरों को और मसल्स को इस पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप इन पर जोर डाल सकते हैं, हर्ट का मतलब है दिल नरों का मतलब है हम दिमाग के लिए भी यूज़ करते हैं कि अगर आपके दिल आप अपने दिल अपने दिमाग और अपनी ताकत को मजबूर कर सकते हैं तो सर्व यू कि आपकी खिदमत करें टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन बहुत अरसे पहले जब उसने हिम्मत को चुके हो जब उसमें ताकत ही नहीं रही हो एंड सो होड़ आन पस रुको वन दियर इज़ नथिंग एन यू अगर आप में कुछ भी नहीं है अगर आप में कुछ भी नहीं है तो फिर भी रुको एक्सेप्ट द विल सेवाई उस इरादे के विच सेज टू देम जो आप जो इनको कहता है जो आपके जज्बे को कहता है जो आपके दिमाग को कहता है और आपकी ताकत को कहता है होड़ आन रुको यहाँ पर यह हर्ट जो है जज्बे के लिए यूज़ हुआ है नरो जो है ये दिमाग के लिए यूज़ हुआ है एंडसाइनियो जो है ये मसल के लिए यूज़ हुआ है और मसल का मतलब है यानी मतलब ताकत के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस इरादे के सिवाय इस अगर आप में सिर्फ कर्ज भी है तो ये खर्ज इन सब को कहेगा कि रुको इन सब से अपना काम करवाएगा ये खर्ज इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप य वर्चू क्राउड मीन हजूम अगर आप हजूम के साथ बातें कर सकते हो और अपने नीकी को वर्चु नीकी और अपने नीकी या फाकदामी को बरकरार रख सकते हो और वॉक विद किंग्स या अगर आपका तल्लु बादशाह के साथ है या अगर आपका चलना बैठना या उठना बैठना बादशाहों के साथ है नॉर लूज़ द कामन टच तो ये सादगी का जो मादा है ये अपने अंदर ख़त्म मत करो या ये आम लोगों के साथ आपका जो ताल्लुक है ये ख़त्म मत करो यहाँ पर किंग्स जो है सोसाइटी के हाई क्लास को रिप्रेजेंट करता है ये कामन जो है ये सोसाइटी के पोअर क्लास या लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर उसको एक कंडीशन देता है कि अगर आपका उठना बैठना अपर क्लास के साथ है या लोअर क्लास के साथ है लेकिन फिर भी इसके बावजूद अपन कामन लोगों के साथ आपका जो ताल्लुक है वह ख़त्म मत करो एफ नीदर फोज नार लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू फूज का मतलब है दुश्मन अगर न दुश्मन और न दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप इस तरह सिचुएशन में हैं कि न तो दुश्मन आपका नुकसान कर सकता है और न दोस्त आपका नुकसान कर सकता है इफ ऑल मैन काउंट विद यू अगर सारे लोग आप पर इहसार करते हैं अगर सारे लोग आप पर डिपेंड करते हैं बट नन टू मच लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं यू कैन फिल द अनपार गिविंग मिनट अगर आप बढ़ सकते हैं इस न करने वाले मिनट को ये मिनट को अनफॉरगेविंग मिनट इसलिए कहता है बिकॉज टाइम डजेंट नो हाउ टू फार समवन समन टाइम को ये पता ही नहीं है कि किसी को किस तरह माफ करना है टाइम जब एक दफ़ा गुजर जाता है फिर वो गुजर जाता है इफ़ यू कैन फेल द अनफॉरगेविंग मिनट अगर आप इस नमा आप करने वाले एक मिनट को भी बढ़ सकते हैं विद सिक्सटी मिनट्स जिसमें वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन ये जो सिक्सटी मिनट्स है एक मिनट में तो इसमें ये जो है इसमें बहुत कुछ हो सकता है इसमें बहुत कुछ हो सकता है इस वन मिनट को एक मिनट तस्वर मत करो बट इसको सिक्सटी सेकंड्स तस्वूर करो जिसमें बहुत कुछ हो सकता है

मेरे बेटे आप एक आदमी होंगे या इसका मतलब है यू विल बी अ परफेक्ट मैन यानी मैन का मतलब मैन इसलिए यूज हुआ है कि आप एक अजीम शान आदमी होंगे थैंक यू सो मच प्लीज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू